गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड। आज है मंडे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम मंडे टू फ्राइडे अपनी वोकैब की सीरीज चलाते हैं, जिसमें हम 10 डेली इंपॉर्टेंट वोकैब्स की बात करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम और डेली लाइफ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की जो हमारी फर्स्ट वर्ड है वो है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट एक नाउन है जिसकी मीनिंग होती है फैसला या निर्णय। सिनोनिम है इसकी दोस्तों डिसीजन एंड एडजुडिकेशन। डिसीजन हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन एडजुडिकेशन जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक है, स्वयंवर में वर का वर्डिक्ट होता है। देखिए यहाँ पे वर्डिक्ट को मैंने वर से रिलेट किया है ताकि आप इसे आसानी से याद कर सको। वर का वर्डिक्ट होता है यानी कि वर का फैसला होता है स्वयंवर में। हम सभी जानते हैं कि स्वयंवर में वर का फैसला होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज की जो हमारी सेकेंड वोकैब है वो है स्ट्रीडेंट। स्ट्रीडेंट एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग होती है कर्कश, यानी कि बहुत कड़वा या कठोर बोली। सिनोनिम है रॉकस एंड क्लेमेंट। और ट्रिक है दोस्तों, स्ट्रिक्ट लोगों की आवाज़ स्ट्रीडेंट होती है। हम सभी जानते हैं कि स्ट्रिक्ट लोगों की जो आवाज़ होती है वो काफ़ी कड़ी होती है, क्योंकि वो खुद में ही बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और इसीलिए मैंने स्ट्रिक्ट को स्ट्रीडेंट से रिलेट किया है ताकि आप इसे आसानी से याद रख सको, स्टोर कर सको अपने दिमाग में। तो स्ट्रिक्ट लोगों की आवाज़ स्ट्रीडेंट होती है यानी कि कर्कश होती है। लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट वोकैब। हमारी आज की जो थर्ड वोकैब है वो है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग होती है डरावना या भयावह। सिनोनिम है डेंजरस एंड अननर्विंग। डेंजरस डेली लाइफ में हम अक्सर यूज़ करते हैं। अननर्विंग जो है ये एक अलग वर्ड है, एक नया वर्ड है। ट्रिक है, क्यूरेबल नहीं है जो डिजीज़, वो फॉर्मिडेबल है। दोस्तों क्यूरेबल नहीं है जो डिजीज़, यानी कि ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारी जिसकी ट्रीटमेंट हमें नहीं पता, जैसे कि एड्स, तो वो फॉर्मिडेबल यानी कि डरावना है। बहुत डरावनी है ऐसी बीमारियां। अभी जैसे कि बिहार में चमकी बुखार चल रही है, तो उसका ट्रीटमेंट अभी लोगों को ढंग से समझ नहीं आया है। तो ऐसी बीमारियाँ हमारे लिए डरावनी है ना, तो यही ट्रिक है, क्यूरेबल नहीं है जो डिजीज़, वो फॉर्मिडेबल है यानी कि डरावनी है वो डिजीज़। लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट वोकैब। आज की जो हमारी फोर्थ वोकैब है वो है एजिटेशन। एजिटेशन एक वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है हंगामा। दोस्तों एजिटेशन मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है, तो आप लोगों को मे भी लग रहा होगा कि ये वर्ड रिपीट हुआ है, लेकिन अगर रिपीट मैं कर रही हूँ वर्ड को तो इसलिए कर रही हूँ ताकि आप पिछली चीज़ों को भी रिकॉल कर सको। ऐसा ना हो कि आप नए वर्ड सीखो और पिछले भूलती जाओ, इसलिए मैं पिछले वर्ड्स को भी साथ में लेके चल रही हूँ ताकि आपको पिछले की भी चीज़ें याद रहें। सो सिनोनिम है ट्यूमल्ट एंड टर्मोइल। टर्मोइल भी हमने पढ़ चुके हैं और एजिटेशन भी हम पढ़ चुके हैं। टर्मोइल को हमने कैसे रिलेट किया था कि ऑयल टर्न करके बच्चे टर्मोइल मचाते हैं। और ट्रिक जो एजिटेशन को याद करने की है वो है प्रोवोकेशन और एजिटेशन, दोनों एक ही है। प्रोवोकेशन को भी हमने अपने पिछले वीडियोज़ में कवर किया है और एजिटेशन को भी किया है। प्रोवोकेशन को हमने कैसे याद किया था दोस्तों, कि प्रोवोक करके प्रोवोकेशन करते हैं यानी कि उकसा के लोगों को हंगामा क्रिएट करते हैं। तो प्रोवोकेशन अगर आपको याद आ गया होगा तो अब इस ट्रिक को भी आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। और ये वर्ड मैंने पहले भी बता चुका है, तो आप इसे एज अ रिपीट मोड में समझ सकते हैं कि हाँ ये रिपीट है, तो आपको आसानी से रिकॉल हो सकता है। ट्रिक है, प्रोवोकेशन और एजिटेशन दोनों एक ही है। लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट वोकैब। हमारी आज की जो फिफ्थ वोकैब है वो है बीफडल्ड। बीफडल्ड एक वर्ब है जिसकी मीनिंग है स्वयं को मूर्ख बनाना या संभ्रमित होना। सिनोनिम है बिम्यूज्ड एंड वुली हेडेड। ट्रिक है, खुद को मूर्ख बनाना बीफडल्ड है, खुद को फूल बनाना बीफडल्ड है। तो यहाँ मैंने फूल को फडल से रिलेट किया है और मीनिंग भी यही है कि स्वयं को मूर्ख बनाना। और ट्रिक है, खुद को फूल बनाना बीफडल्ड है। लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट वोकैब। आज की जो हमारी सिक्स्थ वोकैब है वो है परमिजिबल। परमिजिबल एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग होती है अनुज्ञेय या क्षम्य, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनके लिए हमें क्षमा मिल सकती है या जो हम अलाउ कर सकते हैं। तो सिनोनिम भी है अलाउएबल एंड एक्सकल्पेटरी। ठीक है, परमिशन के लिए एबल है मतलब परमिजिबल है। और यही मीनिंग भी है कि परमिशन के लिए जो चीज़ एबल है, ऐसे भी आप इसे ये देख सकते हैं, परमिजिबल एंड परमिशन के लिए एबल, यानी कि जिसके लिए हमें परमिशन मिल सकती है वो परमिजिबल है।
लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट वोकैब। आज की हमारी सेवेंथ वोकैब है पिनेकल। पिनेकल एक नाउन है जिसकी मीनिंग है चरम सीमा या शिखर, यानी कि किसी भी चीज़ की चरम सीमा पे पहुंच होना या फिर एकदम पीक तक पहुंच जाना। सिनोनिम भी है पीक एंड एक्मे। पीक जो है डेली लाइफ में हम अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन एक्मे जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रिक है पिन ड्रॉप साइलेंस पिनेकल है। तो दोस्तों हमने कई बार सुना होगा कि पिन ड्रॉप साइलेंस रखना है, यानी कि साइलेंस की वो पिनेकल है यानी कि चरम सीमा है, उससे ज़्यादा साइलेंस हो क्या हो सकती है, नहीं हो सकती ना, यही चरम सीमा है साइलेंस होने की। तो यही ट्रिक है, पिन ड्रॉप साइलेंस जो है पिनेकल है यानी कि चरम सीमा है। लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट वोकैब। हमारी जो आज की एट्थ वोकैब है वो है अशर। अशर एक नाउन है जिसकी मीनिंग होती है प्रवेशक या उपशिक्षक, यानी कि ऐसा इंसान जो हमें मार्ग बताता है या फिर हमें इंट्रोड्यूस करवाता है। और सिनोनिम है लीडर। ट्रिक है अस को इंट्रोड्यूस करते हैं अशर। तो हम लोगों को अस यानी कि हम लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं अशर। अशर वे लोग को कहा जाता है जो हमें रास्ता दिखाते हैं, यानी कि हमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं रास्तों से, या फिर ऐसे लोगों को जो हमें किसी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो यही इसकी मीनिंग है और ट्रिक को भी मैंने इसी से रिलेट किया कि अस को इंट्रोड्यूस करते हैं अशर, यानी कि हमें इंट्रोड्यूस करने का काम जो करते हैं उन्हें हम अशर कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट फ्रेज। आज की जो नाइन्थ नंबर में जो हमारी फ्रेज है वो है अ हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी कि एन इनसिक्योर स्कीम, जिसकी मीनिंग होती है असुरक्षित काम या नीति। और ट्रिक है कार्ड्स का गेम खेलना यानी अ हाउस ऑफ कार्ड्स है। अ हाउस ऑफ कार्ड की मीनिंग हो गई ऐसा काम जिसमें सिक्योरिटी नहीं है यानी कि सुरक्षा नहीं है, और कार्ड्स का गेम यानी कि जुआ जो है ये एक इनसिक्योर खेल ही है ना, ये एक अच्छा खेल तो है नहीं कि हाँ हम सिक्योर रहेंगे कि हम जीत ही जाएंगे, ये इनसिक्योर गेम है, इनसिक्योर काम है। तो यही हमारी ट्रिक है कि कार्ड्स का गेम खेलना यानी कि अ हाउस ऑफ कार्ड्स है, यानी कि असुरक्षित काम है। लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट फ्रेज। आज की जो हमारी टेंथ फ्रेज है वो है अ मैन ऑफ स्ट्रीट, जिसकी मीनिंग है एन ऑर्डिनरी मैन और साधारण व्यक्ति। तो ट्रिक है स्ट्रीट में मिलने वाले लोग मैन ऑफ स्ट्रीट होते हैं। दोस्तों हम सभी स्ट्रीट में घूमते हैं, तो स्ट्रीट में घूमने वाले हम साधारण लोग ही होते हैं। क्या कभी आपने अंबानी को स्ट्रीट में घूमते देखा है? नहीं ना। तो हम जैसे ऑर्डिनरी लोग ही स्ट्रीट में घूमते हैं। तो इसको मैंने स्ट्रीट से इसलिए रिलेट किया है कि अ मैन ऑफ स्ट्रीट यानी कि साधारण व्यक्ति जो है वो स्ट्रीट में ही मिलते हैं। स्ट्रीट में मिलने वाले लोग साधारण व्यक्ति होते हैं। सो आज कंप्लीट हो चुकी है हमारी सारी वोकैब्स एंड फ्रेजेस। अब रिवीजन करते हैं। हमारी जो टेंथ फ्रेज थी वो थी अ मैन ऑफ स्ट्रीट, जिसकी मीनिंग है साधारण व्यक्ति, और ट्रिक थी स्ट्रीट में मिलने वाले लोग मैन ऑफ स्ट्रीट होते हैं यानी कि साधारण व्यक्ति होते हैं। आज की जो हमारी नाइन्थ फ्रेज थी वो थी अ हाउस ऑफ कार्ड्स, जिसकी मीनिंग थी असुरक्षित काम या नीति, और ट्रिक थी कार्ड्स का गेम खेलना यानी कि अ हाउस ऑफ कार्ड्स यानी कि जुआ खेलना एक असुरक्षित काम है। आज की जो हमारी एट्थ वोकैब थी वो थी अशर, जिसकी मीनिंग थी प्रवेशक या उपशिक्षक, और ट्रिक थी अस को इंट्रोड्यूस करते हैं अशर। आज की जो हमारी सेवेंथ वोकैब थी वो थी पिनेकल, जिसकी मीनिंग होती है चरम सीमा या शिखर, और ट्रिक थी पिन ड्रॉप साइलेंस पिनेकल है। हमारी जो सिक्स्थ वोकैब थी वो थी परमिसिबल। परमिसिबल जिसकी मीनिंग अनुज्ञेय या क्षम्य होती है, और ट्रिक थी परमिशन के लिए एबल है, मतलब परमिसिबल है। हमारी जो फिफ्थ वोकैब थी वो थी बीफडल्ड, यानी कि स्वयं को मूर्ख बनाना या संभ्रमित होना, और ट्रिक थी खुद को फूल बनाना बीफडल्ड है। हमारी जो फोर्थ वोकैब थी वो थी एजिटेशन, जो हमने पहले भी कवर कर रखा है, और ट्रिक थी प्रोवोकेशन और एजिटेशन दोनों एक ही है। हमारी जो थर्ड वन वोकैब थी वो थी फॉर्मिडेबल, जिसकी मीनिंग थी डरावना, और ट्रिक थी क्यूरेबल नहीं है जो डिजीज़, वो फॉर्मिडेबल यानी कि डरावनी है। आज की जो हमारी सेकेंड वोकैब थी वो थी दोस्तों स्ट्रीडेंट। स्ट्रीडेंट की मीनिंग होती है कर्कश या कड़वी या कठोर, और ट्रिक थी स्ट्रिक्ट लोगों की आवाज़ स्ट्रीडेंट होती है। और जो हमारी फर्स्ट वन वोकैब थी दोस्तों वो थी वर्डिक्ट। वर्डिक्ट की मीनिंग होती है फैसला, और ट्रिक थी स्वयंवर में वर का वर्डिक्ट होता है।
सो दोस्तों, आज की जो हमारी वोकैब की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपको अगर हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।